कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स टेप केस में एक नया मोड़ आ गया है। प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो मामले को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई। बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और चार मंत्री प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो वाली पेनड्राइव के प्रसार में कथित तौर पर शामिल थे। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद हासन की जिला जेल से ले जाते वक्त पत्रकारों से बात किया उन्होंने। देवराज गौड़ा ने दावा किया कि पेनड्राइव मामले में डीके शिवकुमार का हाथ भी है और इस मामले को संभालने के लिए चार मंत्रियों एन चालू वराय स्वामी, कृष्णा बारी गौड़ा, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और एक अन्य मंत्री की एक टीम बनाई गई थी और इस सब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और जेडीएस के एक बड़े नेता को बदनाम करने के लिए किया गया। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने उन्हें सेक्स टेप केस में एचडी कुमार स्वामी को फंसाने के बदले में 100 करोड़ रुपए की रकम की पेशकश की थी। दरअसल देवराज गौड़ा यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद न्यायिक हिरासत में। गौड़ा ने कहा कि डीके शिवकुमार ने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े वीडियो बांटने के लिए कुमार स्वामी को दोषी ठहराने का प्रस्ताव लेकर उनसे संपर्क किया था। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने सस्पेंड कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के कई आरोप हैं। प्रज्वल कथित तौर पर 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुआ था और अभी भी फरार है। उसके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है लेकिन अब तक वो वतन वापस नहीं लौटा। इस पूरे मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के दादा एचडी देवेगौड़ा ने कहा अगर उनका पोता दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे एचडी रेवन्ना के खिलाफ मामले बनाए गए थे। उन्होंने मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आगे टिप्पणी करने से परहेज किया है। देवराज गौड़ा के आरोपों ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में भी हलचल पैदा हुई क्योंकि देवराज गौड़ा ने डिप्टी सीएम से लेकर कई मंत्रियों के नाम लिए हैं, बड़े दिग्गज नेताओं के नाम लिए गए हैं और इस वजह से राज्य की सियासत भी इस पर गर्माई हुई है।